और अहम खबर से जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें शाम 6 बजे होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, सीएम हाउस में होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं अजय माकन। कांग्रेस नेता अजय माकन का बड़ा बयान, कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को लेकर दिल्ली में हुई बैठक। कल दिल्ली में 10 से 12 घंटे नामों पर चर्चा की गई है। नेटा डिसूजा, एल हनुमंथा ने सभी जिलों का दौरा किया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ से हम लोग काफी आशान्वित है, ऐसा कहा है अजय माकन ने। और चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है अजय माकन ने। आज हम लोग पहले मिलेंगे, उसके बाद ही कुछ इस पे बता पाएंगे। कल हम लोग दिल्ली में हम लोगों के 10-12 घंटे लगातार हमने बैठक करी है और नेता डिसूजा जी ने और हनुमंतैया जी ने बहुत डिटेल में पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया है और लोगों ने, इन दोनों ने एक एक हफ्ता यहाँ पे लगाया है और काफ़ी विस्तृत जानकारी इकट्ठी करी, हमने उसकी चर्चा करी है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग बहुत आशावान हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा करेगी। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव शर्मा, जो कि विशेष संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अजय माकन का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस से उनको बहुत आशाएं हैं आगे आने वाले चुनाव को लेकर। क्या कुछ बयान के माने देखे जाए गौरव उनके? बड़ी बात यह है कि अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है और छत्तीसगढ़ पहुंचने के पहले ही स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और दोनों सदस्यों ने दिल्ली में 12 घंटे तक एक्सरसाइज की है इस बात को लेकर कि किसे टिकट दी जाए, किसकी टिकट काटी जाए। इससे पहले बता दें स्क्रीनिंग कमेटी की जो सदस्य है नेटा डिसूजा और एल हनुमंता, उन्होंने लगातार मुलाकात भी की थी सभी जिलों में जाकर और दावेदारों से भी मिले थे। साथ ही साथ जो सिटिंग एमएलए है उनसे भी मुलाकात की थी। इस दौरान कई विधायकों के खिलाफ नाराजगी भी सामने आई थी और इन तमाम बातों की रिपोर्ट जो है वो अब नेटा डिसूजा और एल हनुमंता ने सौंपी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर टिकटों का वितरण बिल्कुल गौरव देखने होगा प्रत्याशियों की सूची के बाद किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आएगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद।